Good morning, class 10th. Now we are going to start the same chapter which was already taught to you yesterday. Chapter number 3rd को आज फिर आगे हम continue करते हैं जहाँ तक हमने इसके पहले पढ़ाया था आप लोगों को, तो उसके आगे ही शुरू करना है. Chapter number 3rd था क्या? जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेस. तो सबसे पहले तो कोशिश करो कि हमने क्या क्या पढ़ाया था. आप जस्ट यू हैव टू रिकनेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द प्रीवियस टॉपिक. पहले जो पढ़ाया गया उसमें से ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर पढ़ाया था, जल संसाधन क्या है, जल की उपलब्धता कितनी है, और जल संसाधन मुख्य रूप से किस किस में प्रयोग किया जाता है, ये सभी चीजें आपको बताई गई थी. तो आगे आज हम बता रहे हैं वर्षा जल का वितरण. एज वी नो दैट वी आर गेटिंग वाटर मेनली फ्रॉम टू सोर्सेस, दो साधनों के माध्यम से हमें जल प्राप्त होता है. सोर्स और रिसोर्स, देखो देयर आर टू वर्ड्स, इन दोनों में बहुत अंतर है. सोर्स और एक है रिसोर्स. री उसमें प्रीफिक्स लगा है तो नया वर्ड बना देता है रिसोर्स, तो इसकी मीनिंग अलग है और सोर्सेस की मीनिंग अलग है. सोर्स का मतलब क्या है? व्हाट डू मीन बाय द टर्म और वर्ड सोर्स? सोर्स नहीं मालूम? सोर्स का मतलब है माध्यम, मीन्स. जैसे लोग कहते हैं कि आप कौन सा सोर्स ढूंढ रहे हैं, या कोई कोई नौकरी के लिए कहेगा पहले सोर्स ढूंढ लो, माध्यम ढूंढ लो. एंड वी आर यूजिंग मोस्टली दैट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, आने जाने के साधन क्या हैं, आवागमन, परिवहन के साधन, तो इनको बोलते हैं सोर्स. और रिसोर्स, इट डज नॉट मीन योर माध्यम, इसका मतलब माध्यम से नहीं है. रिसोर्सेस की डिफिनीशन मैंने बताई थी. तो अभी हमें देखना है कि वर्षा का जल, हमने कहा दो माध्यम से हमको मिलता है, और वो माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं बताइए. जल प्राप्ति के दो माध्यम हैं. पहला हो गया आपका मान लो वर्षा. वर्षा मीन्स रेनफॉल. दूसरा हिम, आइस. ठीक, हिम को बर्फ भी बोल सकते हो आप, अपनी भाषा में आप बर्फ भी बोल सकते हैं. तो देयर आर टू सोर्सेस ऑफ रेन. पहला वर्षा होती है, उससे आपको जल मिल जाता है. तो जल के प्राप्ति के दो माध्यम हो जाते हैं. जो वर्षा मिलती है, वर्षा का पानी है, उसको जो है तो हम लोग यूज कर लेते हैं. इसी तरह से ग्लेशियर्स हैं, हिम है, आइस कैप्स है, आइस है जो कि एक सॉलिड फॉर्म पे हो जाती है, और वो भी एक वर्षा का माध्यम है. बगैर उसके जो है तो आप लोग प्रयोग नहीं कर सकते हैं. और साथ में हिम जो है तो जहाँ पर ऊंचे स्थान है, ठंडे स्थान है या कॉन्टिनेंट्स है, वहाँ पर हिम है. जैसे ग्लेशियर्स मैंने कल बताए थे, अंटार्कटिका है, ग्रीनलैंड है, ये सभी. और बहुत ऊंचाई पे जो आइस फॉल होता है वहाँ भी हिम मिल जाते हैं. तो नदियों के उत्पत्ति का स्रोत क्या है? हिम, बर्फ, ग्लेशियर्स. ग्लेशियर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिमनद. हिम
नद, ठीक है। ये हिमनद जो है तो एक तरह के ग्लेशियर से जहां से रिवर्स जो है तो ओरिजिनेट होती है, रिवर्स निकलती है, ठीक है, रिवर्स ओरिजिनेट होती है, नदियां प्रवाहित होती हैं तो वो हिमनदों से निकलती है। दूसरा, अब सबसे प्रमुख बात यह है कि रिगार्डिंग अवर कंट्री इंडिया, इंडिया में कितनी वर्षा होती है। अगर हम ग्लोबल रेन मान लें कि ग्लोबल रेन 100% है, ठीक है, ग्लोबल रेन मान लो पूरे विश्व में 100% विश्व की वर्षा को हम ले लें, विश्व की वर्षा कितने परसेंट, 100% ले लें, ये तो 100% में ओनली इंडिया इज गेटिंग हाउ मच रेन, 4%। ये भारत में वर्षा जो है तो पूरे विश्व की मात्र 4% होती है। ये वर्षा का परसेंटेज है, ये वर्षा का परसेंटेज है, ओनली 4% रेन इट ऑकर्स इन अवर कंट्री, द टोटल ऑफ द ग्लोबल रेन, पूरे विश्व की वर्षा यदि देखी जाए 100% तो उसमें 4% भारत को मिलता है। और आबादी भारत की, जनसंख्या 1/4, 1/5 पॉपुलेशन होने जा रही है पूरे वर्ल्ड की इंडिया में, और इट इज द सेकंड पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। भारत विश्व का दूसरा बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से एक देश है, इससे बड़ा है चाइना। तो कहने का मतलब है कि अगर हम 4% वर्षा केवल हमको मिल रही है और भारत लगभग 25% आबादी वाला देश है, 25% आबादी अगर हमको मिल रही है तो 25% के आधार पर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि यदि जनसंख्या ज्यादा है तो ग्लोबल रेन या वाटर की अवेलेबिलिटी भी ज्यादा होनी चाहिए। बिसाइड्स ऑफ इट, इसके अतिरिक्त अगर हम अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जल की उपलब्धता को ध्यान में रखें कि भारत में प्रति व्यक्ति जल पानी कितना उपलब्ध हो रहा है, तो हम भारत में देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द वाटर अवेलेबिलिटी इंडिया स्टैंड 133 रैंक इन द वर्ल्ड। भारत की रैंकिंग आज पर प्रति व्यक्ति वार्षिक दर से अगर भारत में पानी मिल रहा है तो भारत का स्थान प्रति व्यक्ति में 133वां आता है। कौन सा? 133 रैंक भारत की है इन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पर कैपिटा पर ईयर। और भारत की जनसंख्या सबसे ज्यादा हो गई प्लस वाटर का औसत कम है, तो इसलिए ये जितना भी कम है पानी, जितना भी कम हमको मिल रहा है, जल कितना भी कम है, तो इसका भी फर्क जो है भारत में पड़ता है। तो अब इस वाटर या पानी की कमी को दूर करने के लिए कि किसी ने स्वीडन के एक वैज्ञानिक का सर्वे है, आपकी बुक में भी दिया होना चाहिए, उन्होंने बताया कि इन 2025 इंडिया विल फेस द शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड इंडिया विल आल्सो स्टैंडिंग इन द सेम लाइन फॉर वाटर प्रॉब्लम्स एंड एडजॉइनिंग विद द वाटर प्रॉब्लम्स आर वाटर स्कैर्सिटीज कंट्री। कहने का मतलब ये है मेरे कि उन्होंने स्वीडन के फाल्कन ने बताया कि यदि यही स्थिति रही जो चल रही है इस समय भारत में पानी के लिए, तो
2025 दूर नहीं है, जबकि भारत का बहुत सा ऐसा क्षेत्र होगा, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो पानी की समस्या से जूझ रहे होंगे, और वो भी पानी की कमी की देश की लाइन में भारत भी लग जाएगा। तो पानी जो है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए, डेली यूजेज के लिए। और साथ में किसी ने तो, फ्रांस के एक वैज्ञानिक ने कहा है कि सबसे अधिक जो है आगे आने वाला ये समस्या है वाटर प्रॉब्लम, और हो सकता है कि थर्ड वर्ल्ड वार जो है तो इट इज ओनली फॉर वाटर। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा या पढ़ेंगे, कोलंबिया एक कंट्री है जहां पर वाटर वार हुआ था, जल युद्ध उसको कहते हैं। कोलंबिया में जो है तो पहले वाटर सप्लाई, जैसे आप देखते हैं कि अपने यहाँ महानगर में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में पानी की सप्लाई नगर निगम कर रहा है, जल संस्थान कर रहा है, ठीक है ना। उसी तरह से वहां पर भी पहले पानी की सप्लाई गवर्नमेंट कर रही थी कोलंबिया में, और वहां पर हुआ ये कि वाल्विया एक शहर है, वाल्विया में प्राइवेटाइजेशन कर दिया सरकार ने, जैसे अभी तमाम गवर्नमेंट की नीतियां हैं कि पब्लिक सेक्टर को, गवर्नमेंट सेक्टर को धीरे 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 करके प्राइवेट सेक्टर में ला रहे, प्राइवेटाइजेशन कर रही है। अभी रेलवे का कर रहे हैं, जैसे प्लेटफॉर्म दिया, अभी रिसेंटली कल ही परसों में जो है तो गवर्नमेंट ने 3 एयरपोर्ट इंडिया के, चंडीगढ़, तिरुवनंतपुरम केरला का, गुवाहाटी आसाम का, ये तीनों एयरपोर्ट जो है तो गवर्नमेंट ने प्राइवेट कर दिया, प्राइवेट सेक्टर में दे दिया। लगभग 46 के आसपास जो पॉलिटेक्निक है, आईआईटी जिनको बोलते हैं, वो भी गवर्नमेंट अगले वर्ष तक प्राइवेट करने जा रही है। तो प्राइवेटाइजेशन ये चल रहा है। इसी तरह से वाल्विया जो कोलंबिया का शहर है, वहां पर सरकार ने क्या किया कि जो वाटर सप्लाई थी तो उसको दे हैव गिवन टू द प्राइवेट सेक्टर। उन्होंने क्या किया, हाँ, प्राइवेट सेक्टर को दे दिए, निजी क्षेत्र को दे दिए, और निजी क्षेत्र ने जब वाटर की सप्लाई करी तो 10 गुना 10 टाइम्स वाटर बिल ज्यादा आ गए। अगर हम 1000 पानी का बिल देते थे पर मंथ, तो वो लगभग 10,000 रुपए प्रति महीने हो गया, प्रति मंथ हो गया। वहां की पब्लिक भड़क गई, सड़कों पर उतर आई, और गवर्नमेंट के खिलाफ वहां पर मूवमेंट शुरू हो गए, आंदोलन शुरू हो गए, लड़ाइयां शुरू हो गई। तो उसका नाम दिया गया वाल्विया वाटर वार, वाल्विया में जल युद्ध हुआ। इसी तरह से फ्रांस के वैज्ञानिक का कहना है कि हो सकता है तृतीय विश्व युद्ध जल के लिए हो जाए, अर्थात वाटर प्रॉब्लम के लिए हो जाए। तो प्रति व्यक्ति लगभग 1000 क्यूबिक मीटर जो है तो जल की उपलब्धता होनी चाहिए, और अगर इतनी नहीं है तो वी कैन से देयर इज ए वाटर स्कैर्सिटी, जल की कमी है, ठीक है। अब व्हाट इज वाटर स्कैर्सिटी, जल की उपलब्धता कम क्यों है, जल की कमी के कारण क्या है, या वाटर स्कैर्सिटी किसे कहते हैं, नोट करें सभी लोग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है तो 5 नंबर का है कम से कम, जल की कमी के कारण क्या है, या जल की अनुपलब्धता किसे कहते हैं, वाटर स्कैर्सिटी, वाटर प्रॉब्लम, जल की कमी। बोर्ड में देखिए, जल की कमी प्रॉब्लम और उसके कारण क्या है, वाटर स्कैर्सिटी एंड कॉजेज,
causes of water scarcity. पानी की उपलब्धता, जब कभी हमें दैनिक जीवन में जितना भी पानी का प्रयोग है, जितना हम पानी का प्रयोग करते हैं, उतना अगर जल हमको किसी कारणवश उपलब्ध नहीं हो पाता है और हमें पानी की परेशानी पड़ती है, सो दैट सिचुएशन दैट इज कॉल्ड वाटर स्कैर्सिटी. पानी की कमी की जो समस्या है, जब हम वो स्थिति फेस करते हैं, महसूस करते हैं, तो उस स्थिति को वाटर स्कैर्सिटी या जल की कमी कहते हैं. अब प्रतिदिन प्रति व्यक्ति जो है, तो जितने लीटर वास्तव में पानी की जरूरत है उतना मिलना चाहिए. अगर वो नहीं मिल रहा है, सो देयर इज ए वाटर प्रॉब्लम. तो हमें दैनिक उपयोग के लिए अगर पानी की कमी है, जहाँ पर आवश्यक चीजें हैं वहां पर पानी की कमी है, तो वो जब हमारी आवश्यकताएं पूरी ना हो तो हम उसे पानी की कमी कहते हैं. अब इसके कारण क्या है, व्हाट आर द कॉजेज, कारण. अब इन कारण में से नंबर वन, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, वर्षा का असमान वितरण. पहला, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल. अनइवन का मतलब क्या हो गया, असमान. दूसरा, एडॉप्टेशन ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, एडॉप्टेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. एडॉप्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, एडॉप्टेशन का मतलब है हिंदी में क्या कहेंगे, हरित क्रांति का लागू होना. नंबर तीन, औद्योगिकरण, इसको बोलेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन, 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 ठीक है, उद्योगों को लगाना. नगरीकरण और शहरीकरण. नंबर फोर, नगरीय व शहरीकरण. ओके, नंबर फाइव, फाइव नंबर यहां लिख लो, ये सीधे एरो लगा हुआ ऐसे. नंबर फाइव, अत्यधिक जनसंख्या, अत्यधिक जनसंख्या, पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन, ठीक है. ये पांच पॉइंट आपके सामने है. छठवां, छठवें में लिख लो वाटर पॉल्यूशन. क्या कहेंगे, वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण. क्या कहेंगे, जल प्रदूषण. हो गया, छह पॉइंट हो गए. जल प्रदूषण पहला जो है, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं हम लोग. पहली हेडिंग है, अब इसको जब आप डिस्क्राइब करोगे, बड़ा लिखोगे, चार चार पांच पांच लाइन कम से कम आपको लिखना पड़ेगा, तभी ये लॉन्ग आंसर में आएगा. फर्स्ट यू राइट दीज पॉइंट्स,
इसके बाद आप इनको एक्सप्लेन करो और एग्जांपल दो। तो एक्सप्लेन करने में जितना मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे और एग्जांपल उदाहरण आप नोट करेंगे, आपकी बुक में भी मिलेगा। वाटर स्केयरसिटी, पानी की कमी के कारण क्या है। पहला, वर्षा का आसमान वितरण। इंडिया दैट इज अ लैंड ऑफ मानसून, मतलब भारत मानसूनों का देश है, अर्थात भारत में वर्षा हमें मानसून सीजन में मिलती है। ठीक है, वर्षा कहाँ कब मिलती है? मानसून सीजन पे आपको वर्षा मिलेगी और बाकी दिनों वर्षा नहीं मिलती। तो कहने का मतलब ये कि वर्षा ऋतु भारत की कब से प्रारंभ होती है? रेनी सीजन, व्हेन इट विल बिगिन? बोलिए, जल्दी बताओ ये कब शुरू होता है रेनी सीजन? रेनी सीजन इट इज एक्सेप्टेड आर अज्यूम दैट इट स्टार्ट फ्रॉम द मंथ ऑफ जून। ठीक है, जून के महीने से शुरू होता है एंड अप टू मंथ ऑफ सितंबर, कहीं कहीं मिडिल ऑफ सितंबर भी है कि सितंबर के महीने तक ये जो है तो प्राप्त होती। तो भारत मानसूनी वर्षा का देश है और भारत में वर्षा जून से लेकर के सितंबर तक, तो कितने महीने हो गए? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हाउ मेनी मंथ आर देयर? फोर मंथ। इन फोर मंथ्स में भारत में वर्षा होती है एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट इंडिया इट रिसीव्स 80% रेन विद इन फोर मंथ, विद इन फोर मंथ्स। ये लिखेंगे आप, इंडिया रिसीव्स, भारत जो है तो रिसीव करता है 4% रेन और सॉरी 80% रेन कितने महीने में? 4 महीनों में पानी रिसीव करता है, या इतनी वर्षा यहाँ पर होती है। दूसरा, द रेस्ट ऑफ 8 मंथ देयर इज ए वेरी वेरी स्कैंटी रेन, स्कैंटी रेन 20%, 20% रेन जो है ये स्कैंटी रेन है, कम पानी बरसता है। तो 8 महीने ऐसे हैं जहां पर भारत में वर्षा बहुत कम होती। आपने देखा होगा कि दिसंबर और जनवरी में थोड़ी सी रेनफॉल होती है, थोड़ा पानी बरसता है, बाकी लगभग लगभग ड्राई अप रहते हैं पानी। तो उसका एक एवरेज निकाला गया, वो है कितना? 20%, राइट। नाउ द 8 मंथ इन अवर कंट्री, 8 मंथ्स, 8 महीने भारत में वर्षा की कमी होती है, वर्षा कम होती है। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड द कंजप्शन ऑफ वाटर, जो पानी का प्रयोग है, ये भी वैसा ही एज इट इज रिमेन सेम, उतना ही पानी चाहिए, चाहे बरसात में हो, चाहे जाड़े में हो, चाहे गर्मी में हो। हाँ, ये हम मान सकते हैं कि थोड़ा गर्मी में पानी ज्यादा लगता है, पानी का कंजप्शन गर्मी में बढ़ जाता है। तो अगर हम अब भारत के मैप में देखो, जरा भारत के मानचित्र में, सभी बच्चे इधर देखो, भारत के मानचित्र में अगर हम देखते हैं तो दिस इज द एरिया, दिस इज द एरिया नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट सेक्टर इट रिसीव्स हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। हम लगभग लगभग कह सकते हैं इस एरिया में लगभग पूरे वर्ष पानी बरसता है। इस एरिया में कौन से स्टेट है भाई, बोल सकते हैं? नेम द स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। कोई नहीं बोलेगा?
ठीक है भाई, मैं बता रहा हूँ, मेघालय, दिस इज अरुणाचल, आसाम, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, ओके, सो दीज आर द स्टेट वेयर ऑल टाइम रेन ऑकर्स थ्रू आउट ईयर, लगभग लगभग पूरे वर्ष यहाँ पर वर्षा बहुत होती है, और वर्षा का औसत अगर आप अपनी बुक के मैप में देखेंगे तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में वर्षा का एवरेज जो है तो 450 सेंटीमीटर एनुअल रेन है, 450 सेंटीमीटर रेन होती है यहाँ पर, और वी आर हैविंग द रेनिएस्ट प्लेस, कहीं कहीं वेटेस्ट प्लेस लिखा, कहीं रेनिएस्ट प्लेस ऑफ इंडिया आर इन द वर्ल्ड, संसार का सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला प्लेस जगह भारत में है, वो कौन सी है, पहले थी चेरापूंजी मेघालय में, और चेरापूंजी औसत वर्षा वहां की कितनी है, 1000 सेंटीमीटर है, कम से कम अगर यहाँ वर्षा होती तो 1000 सेंटीमीटर तो होना ही होना है, ये मेघालय है, ये चेरापूंजी है, यहाँ पर चेरापूंजी ये बना हुआ है मेघालय में, दिस इज ब्लैक से मैंने डॉट किया चेरापूंजी, तो चेरापूंजी अभी है मनेश्वरम, मनेश्वरम दैट इज लोकेटेड नियर बाय द चेरापूंजी एंड इट इज गेटिंग एट लीस्ट 1400 सेंटीमीटर रेन, ये रेन यहाँ की कितनी है, 1400 सेंटीमीटर, तो चेरापूंजी से यहाँ की वर्षा ज्यादा, इट इज ऑल्सो लोकेटेड इन द सेम स्टेट, कौन से स्टेट में बोलो, हाँ मेघालय में, राइट है, तो मेघालय में ये दोनों ही जगह है, चेरापूंजी और मनेश्वरम। नाउ क्या ये आप बता सकते हो कि यहाँ पर वर्षा सबसे ज्यादा क्यों होती है, देयर इज ए बिग क्वेश्चन इन आवर माइंड, और काहे नहीं होती, यहाँ सब जगह तो ऐसा है, होनी चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि भाई ये स्टेट अलग हो गया या बहुत खास हो गया या यहाँ पर ज्यादा कृपा हो गई मानसून की तो यहाँ पर पानी सबसे ज्यादा बरसता है, ऐसा क्यों, इन द रीजन, सो सर्टेनली देयर आर सम कॉजेज, देयर आर सम रीजंस फॉर दैट, इसके लिए वास्तव में देखा जाए तो कोई ना कोई कारण है, जैसे मान लो लोकेशन ऑफ चेरापूंजी एंड मनेश्वरम, सबसे बड़ा कारण है इसकी स्थिति, मेघालय में तीन पहाड़ियां हैं, गारो है, खासी है और ये जयंतिया है, कौन सी, गारो नंबर वन, नंबर टू खासी, नंबर थर्ड जयंतिया हिल्स, ऑल दीज थ्री हिल्स आर लोकेटेड इन मेघालय, तो मेघालय में ये जो माउंटेन रेंजेज है, थोड़ा सा मैं इधर समझा रहा हूँ आप लोग ध्यान से देखें, ऐसे ऐसे ये माउंटेन रेंजेज हैं, ठीक है, तो यहाँ पर चेरापूंजी है और इधर थोड़ा हट करके ये है मनेश्वरम, और इधर से ये मानसून विंड्स ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, ये बे ऑफ बंगाल है, इसे ऐसे मानसून विंड्स चलती हैं और मानसून विंड्स जा करके ये माउंटेन रेंजेज है तो माउंटेन रेंजेज में स्ट्राइक करते है, टकराते है, तो जाते टाइम ये अपवर्ड साइड होता है, ऊपर की ओर को ये बढ़ती है, तो मॉइस्चर लेडन विंड्स है, इनमें नमी की मात्रा ज्यादा है, तो नमी की मात्रा ज्यादा होने की वजह से सबसे पहले रेन चेरापूंजी और मेघालय में फर्स्ट वीक ऑफ जून शुरू हो जाती है, कब शुरू हो जाती है, फर्स्ट वीक ऑफ जून, अराइवल डेट ऑफ मानसून इन त्रिवेंद्रम, इन केरल, मलबार कोस्ट है ये, यहाँ पर त्रिवेंद्रम में नीचे देखे केरल में दिख रहा है,
ध्यान से देखोगे त्रिवेंद्रम लिखा है और त्रिवेंद्रम में पहली से पांचवी जून तक मानसून आ जाता है। इसी तरह मेघालय में आसाम में पहली से पांच जून के बीच में मानसून आ जाता है। अराइवल ऑफ मानसून अप्रोक्सीमेटली इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून इन साउथ ऑफ केरला एज वेल एज इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट मेघालय एंड आसाम। कौन सा? मेघालय और आसाम, ऐसा लोगों का मानना है। अगर मानसून टाइम से हुआ तो सबसे पहला तो अप्रोचिंग डायरेक्शन में है, ऐसे चली विंड्स जब बे ऑफ बंगाल से आती है तो ये वाटर बॉडीज के ऊपर से या महासागरों के ऊपर से आने के कारण इनमें नमी की मात्रा होती है। जैसे यहाँ पहुंचती हैं तो हिल से टकराती अवरोध उत्पन्न होता है, अवरोध उत्पन्न होने की वजह से जैसे टकराती हैं तो यहाँ पर मैक्सिमम रेन आना शुरू हो जाती है और आफ्टर दैट दे टर्न टूवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन। इधर मैप में सभी बच्चे देखेंगे यहाँ मेघालय से ईस्ट डायरेक्शन को टर्न करती हैं एंड देयर आर आल्सो माउंटेन हिल्स, ब्राउन ब्राउन से आप कलर में देख रहे हैं ये भी माउंटेन हिल्स हैं। सो दैट दे डू नॉट क्रॉस दीज माउंटेन आर दे डू नॉट क्रॉस दीज माउंटेन हिल्स एंड अगेन दे रिटर्न टूवर्ड्स द राजस्थान आर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ऐसे जो है तो इनका डायरेक्शन जो है विंग्स का बदल जाता है। सो वंस अगेन द मेघालय दैट रिसीव्स हैवी रेन बाय द सेम विंड्स ट्वाइस इन अ सीजन। हर विंड से यहाँ पर दो बार वर्षा होती है, इसलिए द रेनियस्ट प्लेस रिसीव्स 1400 सेंटीमीटर रेन, इट इज मोर देन चेरापूंजी। ओके, let's and some part of our country like in Rajasthan where the desert is located, you know what is the name of desert in India? Bharat mein ek marusthal hai, us marusthal ka naam koi bachcha batayega? Bolo, Thar marusthal, very nice, Thar desert, Thar ka marusthal, थार का मरुस्थल या ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट थार का महान मरुस्थल कहलाता है।